आगे बढ़ते हुए खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। दूसरे दिन अगर बात की जाए तो दूसरे दिन 657,443 अभ्यर्थियों शामिल हुए। वहीं 963,676 अभ्यर्थियों को होना था परीक्षा में शामिल। 306,233 लोगों ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा छोड़ी है। परीक्षा में 72 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। पहली पाली की अगर बात की जाए तो उसमें 321,322 परीक्षार्थी शामिल हुए। दूसरी पाली में 336,121 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो यूपी परीक्षा भर्ती जो है वो लगातार जारी है। कांस्टेबल के पद के लिए परीक्षाओं का सिलसिला लगातार जारी है। उसके लिए तमाम जो युवा है वो बहुत दूर दूर से पहुंच रहे हैं, उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। और हमने वो तस्वीरें भी देखी जब ट्रेनों में बसों में किस तरीके से यूपी पुलिस भर्ती के लिए, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। खास करके अगर बात की जाए तो करीबन जो पोस्ट हैं वो 60,000 के करीब है और उन पोस्ट के ऊपर अप्लाई जिन स्टूडेंट्स ने किया है वो 40,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो देश के कोने कोने से जो उनके सेंटर्स हैं वहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो परीक्षा छोड़ भी रहे हैं।